has just announced his retirement from world football at the age of 32. And it's really painful to see जिस तरीके से वो रिटायर हुआ, जो उसका पोटेंशियल था, मुझे लगता है कि वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहुंच सके। एक टाइम था जब वो रोनाल्डो और मेसी के क्लोजेस्ट थे, तो अगर हम उनकी रिटायरमेंट की बात करें तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अनाउंस की। और आज हम थोड़ा सा उनकी लेगेसी को लेके बात करेंगे कि उनकी क्या लेगेसी रही है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उनका प्राइम भी देखा, लेकिन आई थिंक ईडन हैजार्ड वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट विंगर्स अगर हम बात करें 2010 से 2017-18 की। ईडन हैजार्ड की अगर हम प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो ईडन हैजार्ड ने अपना प्रोफेशनल कैरियर फ्रांस में लिन से शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने 194 अपीयरेंसेस में 50 गोल स्कोर किए और 53 असिस्ट प्रोवाइड किए, और ये बहुत ही इम्प्रेसिव स्टेट्स है एक 20 ईयर ओल्ड विंगर के लिए। और फिर 2012 में चेल्सी साइन ईडन हैजार्ड फॉर 32 मिलियन फ्रॉम लिन। और अगर हम ईडन हैजार्ड की चेल्सी की बात करें तो ईडन हैजार्ड ने चेल्सी के लिए 354 अपीयरेंसेस में 110 गोल स्कोर किए, उन्होंने 2 यूरोपा लीग टाइटल जीते अपने टाइम में और 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीते और एफए कप का टाइटल जीता इन इस टाइम एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज। ईडन हैजार्ड एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे अगर हम उनके प्राइम की बात करें तो। ही वॉज नोन फॉर हिज पासिंग, फॉर हिज ड्रिबलिंग, फॉर हिज विजन, और जिस तरीके के वो प्लेयर थे, ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन। 2018 के वर्ल्ड कप में ईडन हैजार्ड वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और अगर हम उस वक्त की बात करें तो उस वक्त रियल मैड्रिड से रोनाल्डो भी जा चुके थे और रियल मैड्रिड भी अपना नेक्स्ट गैलेक्टिको जो है वो ढूंढ रही थी। तो रियल मैड्रिड ने उनको जून 2019 में साइन किया और 88 मिलियन में उनको साइन किया गया चेल्सी से। यहाँ पे चेल्सी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी क्योंकि ईडन हैजार्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक साल का रहता था, एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीव फॉर रियल मैड्रिड, जो उनका एक ड्रीम मूव था। अब अगर हम ईडन हैजार्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ से अनफॉर्चुनेटली ईडन हैजार्ड के लिए जो चीज़ें थी वो खराब से खराब होती गई। जुलाई 2019, तो अगर जुलाई 2019 की मैं बात करूँ तो ईडन हैजार्ड का फर्स्ट इंप्रेशन जो था रियल मैड्रिड में वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा था। अगर हम बात करें तो वो प्री सीजन से ओवरवेट होके आए थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स बने, और वो जो एक जो रोनाल्डो को रिप्लेस करने का प्रेशर था वो एक और अलग प्रेशर था ईडन हैजार्ड पे। अगर मैं ईडन हैजार्ड के बेस्ट गेम की बात करूँ रियल मैड्रिड में तो वो था अगेंस्ट पीएसजी इन द चैंपियंस लीग। नवंबर 2019 में ईडन हैजार्ड अपना बेस्ट गेम खेल लेते अगेंस्ट पीएसजी, और ऐसा लग रहा था ईडन हैजार्ड की गेम को देख के कि ही इज बैक, जो रियल मैड्रिड फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चेल्सी वाला एक ईडन हैजार्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो ईडन हैजार्ड वापस आ चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वन इंजरी चेंज्ड एवरीथिंग। थॉमस मुनियन ने उनको इंजर्ड किया, जिसकी वजह से उनको एंकल इंजरी हुई, और उस इंजरी के बाद अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी संभल नहीं सके, उनको कभी भी कोई ना कोई इंजरी हो जाती थी। तो अगर हम टैलेंट वाइज बात करें तो आई थिंक ईडन हैजार्ड वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट विंगर्स, और वही एक प्लेयर थे उस टाइम पे जो रोनाल्डो और मेसी को क्लोज हो सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो उनका पोटेंशियल था वो उस पोटेंशियल को नहीं पहुंच सके, और शायद इसी वजह से कहा गया कि टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। तो अगर ईडन हैजार्ड की कैरियर की बात करें तो आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, लेकिन अगर मैं उनके रियल मैड्रिड कैरियर पे थोड़ा सा नज़र डालूं, जो कि एक वर्स्ट एक ट्रांसफर था, वन ऑफ द वर्स्ट ट्रांसफर्स, तो मैं कह सकता हूं कि वहां पे उनकी भी कुछ मिस्टेक्स थी, जैसे कि उनको प्री सीजन के बाद ओवरवेट नहीं होके आना चाहिए था। जब वो ओवरवेट होके आए, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो जब एक परफॉर्मेंसेस नहीं हुई और उसके बाद जब वो इंजर्ड होना शुरू हुए, तो उनके ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर बिल्ड होता गया, हर गेम के साथ साथ उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता गया। लेकिन अगर हम उनके लास्ट टाइम की बात करें, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया, अगर उस वक्त की हम बात करें तो आई थिंक उनको जो ट्रीटमेंट मिली थी कार्लो एंजेलोटी से वो भी फेयर नहीं थी एक किस्म से।
कार्लो एंजेलोटी एकेडमी के प्लेयर्स को भी प्रेफर करते थे ओवर ईडन हैजार्ड। आई थिंक उनको लास्ट में कुछ मिनट्स मिलने चाहिए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी किसी से गिला रहा नहीं है क्योंकि वो फिट ही नहीं होते थे, अनफॉर्चुनेटली इंजरीज किसी के हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर हम लास्ट उनके टाइम की बात करें रियल मैड्रिड में, तो वो काफ़ी टाइम फिट थे, लेकिन फिर भी कार्लो एंजेलोटी ने उनको मिनट्स नहीं दी। बट उसमें उसकी भी मिस्टेक्स थी, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर वो उस मिस्टेक नहीं करते तो शायद रियल मैड्रिड में जो वो अचीव करने आए थे, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ईडन हैजार्ड से कि ईडन हैजार्ड रियल मैड्रिड में जाने के बाद शायद वो बैलन डोर कंटेंडर हो जाए, तो अगर वो नहीं आते तो शायद हमें डिफरेंट ईडन हैजार्ड देखने को मिलता। बट आई बिलीव ईडन हैजार्ड इज स्टिल वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। डू लेट मी नो योर फेवरेट मोमेंट ऑफ ईडन हैजार्ड इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।